हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं डमरू घाटी, मतलब वहाँ पर शंकर जी का बहुत प्रसिद्ध स्थान है और वहाँ पर काली माता की गुफा भी है। तो गाइस, आज हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये साइड में जो आप देख रहे हैं, ये गाडरवारा हाईवे है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ब्लॉग में गाइस बने रहे, मैं हूँ और टीकाराम भाई है और हमारी गाड़ी से हम जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है मतलब डमरू घाटी। तो गाइस, बस हम निकलने वाले हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग डमरू घाटी पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं डमरू घाटी का गेट है, अभी दिख नहीं रहा, और साइड में है गाइस पार्क। तो अभी थोड़ी देर से हम लोग अंदर जाने वाले हैं और पूरा सीन आपको बताएंगे अच्छे से। यहाँ साइड में पहले साइड से दिखा देते हैं, नीचे से, सबसे नीचे से, फिर हम ऊपर चलेंगे। फाइनली हम लोग डमरू घाटी पहुंच चुके हैं और हम जहां पर खड़े हैं वो है मतलब शिवलिंग के नीचे मैं खड़ा हूं, जो कि आपने सिनेमैटिक सीन देख लिए होंगे, उसी बड़े शिवलिंग के नीचे मैं खड़ा हूं। गाइस, बहुत ऊंचा शिवलिंग है मतलब, और बहुत अच्छी जगह है। अभी बहुत ज्यादा धूप है और ऊपर हम लोग खड़े हैं और वहां पर जो है वो शंकर जी की मूर्ति है। यहां पर धूप बहुत ज्यादा है गाइस, और हनुमान जी की मूर्ति जो है वो वहां पर है। तो गाइस, हनुमान जी के पास में भी हम लोग जाएंगे वहां पर, और जो गुफा है वो वहीं पर है। तो गाइस, ये मंदिर हमने आपको दिखा दिया और गुफा के पास जा रहे हैं अब हम लोग। तो गुफा के दर्शन भी आपको कराएंगे, जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमय है, और जो भी वहाँ की मतलब खासियत है गुफा की वो हम आपको बताएंगे। यहाँ से गाइस गेट है तो नीचे अपन जा सकते हैं। तो गाइस, गुफा के पास में जाएंगे और पार्क भी है तो पार्क में भी आपको बताएंगे सीन, और भी वहाँ पर शनिदेव का मंदिर है तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इसके अंदर जा रहे हैं, मतलब शिवलिंग के अंदर मंदिर है शंकर जी का, तो उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। तो गाइस, देख सकते हैं आप, हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यह है शंकर जी का शिवलिंग, और शिवलिंग के अंदर भी शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। और गाइस, यहां पर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है हमारे से, भाई यहां पर कोई नहीं है। तो गाइस, देख सकते हैं आप, मतलब बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और साइड में ये वादियाँ हैं जो दिख नहीं रही हैं, अभी हम जाके दिखाएंगे। और मंदिर के अंदर का ऐसा कुछ नज़ारा है। अब जा रहे हैं गाइस हम मंदिर के अंदर, यहाँ पर शंकर भगवान और माता जी की भी मूर्ति है गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर ही मतलब तीन मंदिर हैं, तो पैर पाल लेते हैं। और बहुत अच्छा स्थान है गाइस ये शंकर जी का डमरू घाटी में। अब जा रहे हैं हम यहाँ से काली माता और हनुमान जी के जो मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर पर जा रहे हैं। अब बाहर आ गए तो आवाज़ गूंजनी मतलब बंद हो गई है, तो नीचे का नज़ारा देख लो कुछ ऐसा है। तो यहाँ से जाएंगे गाइस पार्क में से अभी, और शिवलिंग के बाहर आ चुके हैं। दूसरी साइड है ये, मतलब दूसरी साइड निकलता है शिवलिंग, उस साइड से प्रवेश करते हैं, इस साइड से बाहर आ जाते हैं हम लोग। तो गाइस कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है हमारे सेवा, और वहाँ पर वो शिवलिंग है जो कि आपने देख लिया। आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप जा रहे हैं हनुमान जी के पास में, जो कि हनुमान जी वहाँ पर हनुमान जी हैं। तो चलते हैं गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है।
और गुफा दिखाएंगे। अभी तो मेन चीज जो है वो है गुफा काली माता की। तो ब्लॉग में गाइस आप बने रहे ना, तो गुफा के पास हम जाने वाले हैं। बस इस पार्क के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं ऐसा पार्क मतलब बना है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो पहले शनि देव की मूर्ति है वो आपको दिखा देते हैं और उनके पैर पकड़ हम मतलब हनुमान जी के पास चलेंगे पहले, फिर जाएंगे काली माता मंदिर। तो ये देख सकते हैं आप गाइस मूर्ति शनि महाराज की, और यहाँ पर माता जी की भी मूर्ति है। यहाँ पर इनको तेल चढ़ता है गाइस, तेल तो शनि देव को चढ़ता ही है। और बहुत अच्छी मूर्ति है, मतलब पहले भी मैं बहुत बार आया हूँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गाइस ये माता जी की मूर्ति है। अब जा रहे हैं आगे हनुमान जी साहिब, तो भाई मेरे साथ में पीछे पीछे आ रहा है पैर पड़ के। मैं जा रहा हूँ, पक्की टाल से लगी है यहाँ पर गाइस, और पानी पीने की व्यवस्था है, सब कुछ है। लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और मतलब बातें कर सकते हैं, जो कुछ भी हनुमान जी का कुछ ऐसा है। देख सकते हैं दोस्तों ये हनुमान जी की मूर्ति, मतलब बहुत बड़ी मूर्ति है ये, मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ। और यहाँ से गाइस ये है शंकर जी की मूर्ति पास में ही डमरू घाटी। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी की मूर्ति के पास में, और बहुत बड़ी हनुमान जी के पीछे मूर्ति है गाइस। और साइड में देख सकते हैं आप, यहीं से शंकर जी का शिवलिंग दिखता है, मतलब डमरू घाटी यहीं से शंकर जी दिखते हैं, और शंकर जी के पास में ही हनुमान जी की मूर्ति है, मतलब बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर आकर गाइस हमको बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सिवा गाइस यहाँ पर कोई नहीं है, मैं हूँ और टीकाराम भाई है गाइस। तो अब जा रहे हैं हम काली माता के मंदिर, जो गुफा है वो आपको दिखाने के लिए। तो गुफा हमको नहीं पता कहाँ पर, वो ढूंढ के हम आपको दिखाएंगे, पास में ही है। तो गाइस जा रहे हैं वहां पर। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर बदक जो है वो पानी से बाहर आ चुकी है यहाँ पर, और मैं जा रहा हूँ तो अब जी पानी के अंदर जा रही। काट सका जी, गाइस ये काटती भी है, तो साइड से निकल रहे हैं हम इनके। अजा अजा रे गाइस डर लग रहा है हमको, और अब जा रहे हैं। अजा जल्दी गाइस पूरे में हम लोगों ने घूम लिया है डमरू घाटी में। अभी हम नीचे आकर यहाँ पर बैठ चुके हैं, ये बैठने के लिए मतलब पूरे में ऐसी बनी है, और नीचे बैठ चुके हैं। अब जा रहे हैं काली माता के मंदिर, तो मंदिर के अंदर भी जाएंगे और माता जी के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। मतलब वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, पीछे का देख लो आप अच्छे से सीन, वहाँ पर लोग जाते नहीं पर हम जाएंगे। और साइड में पेड़ लगे हैं बहुत ज़्यादा, आ जाओ चले भाई एक ले। तो भाई यहाँ पर ऐसा सीन है बैठने का, तो भाई की मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक कर दूँ। और डमरू घाटी की आपने सिनेमैटिक सीन देख लिए हैं, मतलब पूरे यहाँ पर शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जब मैं शिवरात्रि को आया था तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे तक लोग ही लोग, बहुत ज़्यादा भीड़, पैर रखने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं रहती। और गाडर बारह में सबसे प्रसिद्ध जगह यही है गाडर बारह में। तो गाइस जा रहे हैं अब काली माता के मंदिर।